हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रेनू और स्वागत है आपका कुक विथ रेनू मौर्या में। और आज हम लेकर आए हैं हरे मिर्च का एकदम चटपटा सा अचार, जो कि इतना टेस्टी बनता है कि आप अपने खानों के साथ इसको रखेंगे तो आपका खाने का स्वाद और बढ़ जाएगा और आपकी भूख को ये बढ़ा देगा ये चटपटा सा अचार। और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने ली है 250 ग्राम मिर्च और उसको हमने उसके डंठल तोड़ के रख दिया है और उसको बीच में से ऐसे चाकू की मदद से हम काट लेंगे। और ये मिर्च का अचार हम बना के इसको हम सालों रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और इसको हमको धूप भी नहीं दिखाना होता है। हम बस एक बार इसको बना लेंगे और बना के रख लेंगे और रेगुलर हम इसको खाते रहेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने के लिए हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसके लिया है हमने 25 ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम में अजवाइन मंगरायल और 10 ग्राम मेथी और 10 ग्राम ही हमने लिए हैं धनिया। और इसको हम अब कढ़ाई रख के उसको गर्म कर लेंगे और उसमें हम करके सारे मसाले मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक ही बार हम इसको भून लेंगे। इन मसालों को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही भूनेंगे। और जब तक हमारे मसाले भून के तैयार हो रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो इसका नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब देखिए हमारे मसाले जैसे कि अब भून के तैयार हो गए हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और इसमें हम डालेंगे मिर्च जो हमने काट के पहले ही रख ली थी। और इसको हम अच्छे से 5 मिनट तक लगभग चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको हम भुनेंगे। देखिए भुन के जैसे कि अब तैयार हो गया है। हमने जो मसाले भुन के रखे थे वो अब ठंडे हो गए हैं। उसको हम जार में डाल के और दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे। और उसको पीसने के बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए अब पीस के ये तैयार हो गया है और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 50 ग्राम लहसुन और उसको हम अच्छे से छील लेंगे और छील के धुल लेंगे। और धुलने के बाद उसी जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे। और उसके बाद हमने लिया है लेमन, लेमन के रस निकाल लेंगे। अब हम मिलाएंगे मसाले, तो उसमें हम जो पीस के मसाले रखे थे वो मसाले मिला देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ये तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए डालेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे हम हल्दी और 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। और उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे इसमें लहसुन का जो पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था। और उसमें हम डालेंगे करीब 3 चम्मच के आसपास नमक। नमक आपके स्वाद अनुसार आप अपने डाल लीजिएगा, लेकिन अचार में हम जो नमक डालते हैं उसमें थोड़ा सा तीखा ही डालते हैं ताकि अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद हम डालेंगे लेमन का जूस और उसमें हम 1 चम्मच के आसपास डालेंगे तेल। और सब कुछ हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और 10 मिनट मिलाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा ये लगेगा कि हम इसको भर के बनाए हैं। एकदम अच्छा भर गया है मिर्ची में और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हो गया है। अब हमारा चटपटा सा अचार ये बन के तैयार हो गया है, हरी मिर्च का अचार। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये चटपटा सा अचार खा सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।